हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 11 से 13 भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उस परम पद के विषय में संक्षेप से कहूंगा जिसे वेदों को जानने वाले परम अविनाशी निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं। आसक्ति रहित सन्यासी लोग जिसे प्राप्त करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों को सब ओर से वश में करके मन को हृदय में स्थिर करता है और प्राणों को मस्तक के मध्य भाग में स्थापित करता है, इस प्रकार योग धारणा में स्थित होकर ओम अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।